कोरोना महामारी के बीच जनता की सेवा के लिए मैदान संभाल रहे विधायक विशाल पटेल ने आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी घोषणा की है, जहां उन्होंने खुद से फील्ड में काम कर रही इन कार्यकर्ताओं के लिए 5 लाख तक का मेडिक्लेम कराने की घोषणा की है। देखिए यह रिपोर्ट। एमएलए विशाल पटेल ने दी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात, फील्ड में काम करने वाली कार्यकर्ताओं का मेडिक्लेम कराएंगे एमएलए। मेडिक्लेम के जरिए कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को मिलेगा लाभ। बीमार होने पर कार्यकर्ताओं को मिलेगा मेडिक्लेम का लाभ। जिस तरह से एक भाई अपनी बहनों की चिंता करता है, ठीक उसी प्रकार से विधायक विशाल पटेल ने अपने क्षेत्र में काम करने वाली आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की चिंता की है। जहां विधायक विशाल पटेल ने खुद से इन कार्यकर्ताओं और इनके परिवार के इलाज के लिए मेडिक्लेम कराने की घोषणा की है, जिसका फायदा फील्ड में काम कर रही सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। मोटिवेशनल प्रोग्राम था, उस मोटिवेशनल प्रोग्राम में सभी हमारी आंगनवाड़ी वाली बहनें, आशा कार्यकर्ता, सहायिका और तमाम इंदौर शहर के कलेक्टर साहब, डीआईजी साहब, सांसद जी और अनेक नेता यहाँ मौजूद थे और देपालपुर के और भी गणमान्य नागरिक मौजूद थे। उस दिन मेरे द्वारा यहाँ जब मुझे जानकारी लगी थी कि एम्बुलेंस की कमी है, तो मैंने उस दिन घोषणा करी थी कि एक एम्बुलेंस तत्काल हमारे द्वारा यहाँ दी जाएगी, लेकिन विधायक निधि से जो देना थी, लॉकडाउन चल रहा है, सभी ऑफिसेज बंद है, सभी शोरूम्स बंद है, उसकी तत्काल व्यवस्था, जैसे ही कल भी मेरे पास कुछ फोटोज़ देपालपुर के मीडिया के माध्यम से मेरे पास आए, तो मैंने तत्काल व्यवस्थाएँ कराई और एक तत्काल एक व्यवस्थाएँ जो थी एम्बुलेंस की, वो यहाँ उपलब्ध करा भी दी है। दूसरी बात, जैसे ही नया, जैसे ही वो खुलेगी शोरूम्स, विधायक निधि से एक बड़ी एम्बुलेंस पुनः एक और यहाँ देपालपुर विधानसभा को एक और मैं दे दूंगा कि ताकि यहाँ के लोगों को और सुविधाएं हो जाए। रही बात, मैंने उस दिन जब मोटिवेशनल प्रोग्राम था, तो उस दिन मैंने हमारी बहनों की पीड़ाएं भी समझी, जाने भी, क्योंकि पिछले वर्ष भी जब ये कोरोना काल था, हमारी एक बहन शांत हो गई थी उस दौरान, लेकिन फिर भी एयरवास की थी वो बहन, और आज भी उसको सहायता सरकार द्वारा नहीं दी गई। उसकी फाइलें खूब चलाई, हम लोगों ने कहा भी सही, रिकमेंड भी खूब करी, लेकिन वो आज भी कहीं ना कहीं तरस रही थी। जब मैं उनसे, मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनसे जब बात करी, मैंने उनकी पीड़ा समझी कि भैया हमको मूलभूत सुविधाएं सरकार की ओर से कुछ नहीं मिलती है। तनख्वाह के नाम पर 5-6 हज़ार रुपये महीना मिलती है, रात दिन मेहनत वो करती है, 52 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भटकती वो हैं, बच्चों को घर से लाने से ले जाकर उनके वापस घर छोड़ने तक की जवाबदारी वो खुद निभाती हैं, महिलाओं को सुरक्षित रखने का काम वो करती हैं, किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का कोई बड़ा आयोजन हो जिसमें आपका आधार कार्ड से लिंक करना हो, या वोटर कार्ड बनाना हो, मतदाता सूची बनाना हो, या कोई किसी प्रकार का कोई कार्य हो, तो इस टाइप से सभी बहनें ये कार्य करती हैं। मैंने खुद ने उसी दिन तय कर लिया था, मुझे थोड़ा समय लगा क्योंकि मेरे सब कंपनी वालों से बात चल रही है, उन सब बहनों को मैं एक सौगात देना चाहता हूँ। पूरी देपालपुर विधानसभा के अंदर जितनी भी आंगनवाड़ी वाली कार्यकर्ता, जितनी बहनें हैं, आशा कार्यकर्ता की जो बहनें हैं और उनके साथ सहायिका जो सब बहनें हैं, उन सबको जब तक ये कोरोना काल चलेगा, जब तक कि मेडिक्लेम की जो राशि है, उनको 5 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम की राशि मैं उनको देने जा रहा हूँ, उसकी राशि का भुगतान मैं स्वयं करूँगा, उनकी पॉलिसी का जो भुगतान, जो राशि आएगी वो मैं भुगतान करूँगा। कम से कम उनको, अगर वो बीमार होती हैं या कोई परेशानी आती है, तो कम से कम उनको ऐसा हो कि उनको व्यक्तिगत लाभ मिल जाए, क्योंकि सरकार ने कोई भी सुविधा उन बहनों को आज तक नहीं दी थी। तो ये मैंने खुद ने स्वयं तय किया है और ये मेरे स्वयं निजी खर्च से मैं उनका उस पॉलिसी का वहन करूंगा, यही कहना था मुझे। पूरे देपालपुर विधान कुल मिलाकर विधायक विशाल पटेल की ओर से दी गई इस मेडिक्लेम सुविधा के माध्यम से कई आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इलाज के लिए मदद मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, देपालपुर।